दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लेन में थर्मामीटर अलाउ नहीं होते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? थर्मामीटर जब आप बीमार होते हैं इमरजेंसी में काम आता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है उसे मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मामीटर फर्स्ट एड किट का एक पार्ट है, तो फिर इस फर्स्ट एड किट के पार्ट को क्यों अलाउ नहीं किया जाता प्लेन में? दोस्तों, आपको बता दें कि आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम हम डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पहले के थर्मामीटर में पारा यानी मर्क्यूरी थर्मामीटर में होता था, और अब डिजिटल थर्मामीटर का यूज होता है। पारे वाले थर्मामीटर का जमाना चले गया। जो पुराने जमाने के थर्मामीटर थे उन्हीं में रेस्ट्रिक्शन थी, सिर्फ और सिर्फ पारे की वजह से। अभी के थर्मामीटर में ऐसा कुछ नहीं है। पहले रिस्ट्रिक्शन इसलिए था, जो पहले के थर्मामीटर होते थे उसमें जो मर्क्यूरी होता था वो अगर एक बूंद भी प्लेन में गिर जाए तो इतनी ऊपर इतने हॉट टेम्परेचर में प्लेन की बॉडी जो कि एल्यूमिनियम से बनी होती है उस पे पारे की बूंद गिरने से तुरंत रिएक्शन होगा और मात्र 10 से 15 मिनट में उस जगह पर एक हॉल हो जाएगा। मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यही रीजन है कि पुराने वाले मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर आज भी अलाउ नहीं है एरोप्लेन में। डिजिटल थर्मामीटर को आप एरोप्लेन में लेकर जा सकते हैं। आपको आज की हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।